हेलो फ्रेंड्स, कुक विद राधा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ व्रत की एक ऐसी रेसिपी जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और ये आपके शरीर के लिए हेल्दी भी रहेगी, तो इससे आपको भूख ना लगेगी बिल्कुल, और ये आपसे इसका पेट भरा भरा रहेगा। तो आप देखिए, इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है, आधा छोटी चम्मच सेंधा नमक लिया है, व्रत वाला नमक, 3 छोटी चम्मच देसी घी लिया है, 1 कप मैंने सिंगाड़े का आटा लिया है। ये रेसिपी हम सिंगाड़े के आटे से बनाने वाले हैं, और यहाँ पर मैंने ये पहले से तैयार करके रखी थी स्टफिंग। तो ये देखिए, ये मैंने मैश करके आलू को बॉईल कर लिया था, और 3 मीडियम साइज के आलू लिए थे, उनको मैंने अच्छे से बॉईल करके इनको अच्छे से फोल्ड करके तैयार कर लिया है। और यहाँ पर मैंने आधा गिलास पानी लिया है। सबसे पहले मैंने ये भगोनी लिया है, मैं इसमें ये सिंगाड़े का आटा डाल करके इसका पेस्ट तैयार कर लेती हूँ, और इसमें मैं ये नमक और ये काली मिर्च दोनों को ऐड कर लेती हूँ। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेंगे इसमें, इसमें गुठलियां नहीं बननी चाहिए। इस तरीके से हमें इसको पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। सिंगाड़े के आटे से फ्रेंड्स बहुत ही रेसिपी बनती है। सिंगाड़े की चटनी है आटे की, या फिर सिंगाड़े का चीला आटे का, बहुत सारे ऐसे आइटम बनती है। बहुत ही अच्छा होता है, हमारे शरीर के लिए हेल्दी भी रहता है। इस तरीके से ये देखिए, पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। इस तरीके से हमें कर लेना है इसको, आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये पैन लिया है, तो हम पैन को गैस का फ्लेम ऑन कर देती हूँ और हम पैन को गर्म होने देते हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है, यहाँ पर देखिए हीट आ रही है इसमें से। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैंने 1/4 चम्मच जो घी लिया है, तो इसको हम पूरे में इस तरीके से फैला लेंगे। इस तरीके से हमें फैला लेना है इसको। अब हम ये पेस्ट हमने बनाया था, तो इससे हम फैलाएंगे, इस तरीके से फैलाएंगे। हमें इसको ज़्यादा वो नहीं करना है, इस तरीके से हम इसको कर देना है। अब देखिए, साथ ही साथ ये बनता जाएगा, चीला सा बनता जाएगा। इस तरीके से हम इसको फैला लेना है। ये देखिए, बिल्कुल उपट गया, हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। इस तरीके से हम इसको फैला के इस तरफ भी हम सेंक लेते हैं। तब तक हम दूसरा तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, और ना ज्यादा इसमें ऑयल लगेगा आपका, तो इसको हम साइड में लगा देंगे और हम दूसरा डाल लेते हैं इसमें। अब ये देखिए, इसको हम उपाट के आपको दिखाते हैं, दूसरे वाले को भी देखिए। ये देखिए, ये बिल्कुल प्रॉपर फिट के तैयार हो गया एक तरफ। तो अब हम क्या करेंगे कि इस तरफ थोड़ा हम इस साइड पे घी लगा देंगे, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे, तो दूसरी तरफ भी हमारा अच्छी सी फिट करके तैयार हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे कि जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार करी थी, जो आलू की चटनी बोलते इसको भी, और अब हम इस पे इसके ऊपर हम रख लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। इसको थोड़ी और लगा लेते हैं और इसे हम निकाल के इसके ऊपर इस तरीके से कवर कर देते हैं, रख देते हैं। ये देखिए, और ये कितना अच्छा लग रहा है। और आपको ये चाहे तो आप इसे हरी मिर्च की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, व्रत वाली चटनी बना ले उसके साथ, ये बहुत मजेदार लगेगा। देखिए, ये मैंने प्लेट में रख लिया है, तो अब आप चाहें तो इसे कट करके भी खा सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, चाकू ले लें या फिर कोई भी पैनी चीज लें, तो उससे आप इसको इस तरीके से कट कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा, ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है, और ये देखिए खाने में भी बहुत ही ज्यादा आपको स्वादिष्ट लगेगा। आप इस तरीके से इसे हरी मिर्च चटनी बना लें, या फिर दही ले लें थोड़ा, और व्रत में थोड़ा व्रत वाला सेंधा नमक डाल करके दही में खाइएगा, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा फ्रेंड्स आपको। तो आप इसे बनाइएगा और खाइए, ये आपका पेट भरा भरा रहेगा इससे व्रत में। तो
तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो आज का कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आज का कैसा लगा है।